हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश में बोले जाने वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस, रोज बोले जाने वाले छोटे छोटे वाक्य जिनको आप आपकी डेली बेसिस पे डेली लाइफ में बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से सेंटेंसेस है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। नंबर वन, वो बहुत बोलता है और वो बहुत बातूना है। जब हम किसी से परेशान हो जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा चटर पटर करता है, तो हम क्या बोलते हैं? बहुत बोलता है यार वो। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज सो टॉकेटिव और ही टॉक्स अ लॉट। ही इज सो टॉकेटिव। नेक्स्ट इज, मैं जुबान का पक्का हूं। आप कहते हैं ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी और की नहीं सुनता। तो मैं जुबान का पक्का हूं, इस चीज को हम कैसे बोलेंगे? आई कीप माई वर्ड्स। आई कीप माई वर्ड्स, मैं जुबान का पक्का हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। तुम जरूर मजाक कर रहे हो। जब हम डाउटफुल होते हैं किसी चीज को लेकर, किसी की बात को लेकर, तो हम बोलते हैं तुम जरूर मजाक कर रहे हो यार। तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? यू मस्ट बी किडिंग और यू मस्ट बी जोकिंग। किडिंग एंड जोकिंग, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, मैं परेशानी में हूँ। मैं परेशानी में हूँ। जब हम लाइफ की सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं या फिर हम किसी और चीज में फंस जाते हैं, तो हम बोलते हैं मैं परेशानी में हूँ। उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। नेक्स्ट इज, ये एक अच्छा बहाना है। बड़ों का कॉमन सेंटेंस, ये एक अच्छा बहाना है तेरा, बहुत ही अच्छा बहाना है ये तेरा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। टीचर से तो आपने बहुत बार ये चीज सुनी होगी, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। होमवर्क नहीं करके लाए, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज, ये एक अच्छा बहाना है। नेक्स्ट, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्से का सेंटेंस है। गुस्से में हम कई बार ऐसे बोलते हैं, पेरेंट्स हमारे, टीचर्स हमारे, फ्रेंड्स हमारे, ऐसे कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू से दैट। हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेयर, हिम्मत। हाउ डेयर यू से दैट। नेक्स्ट इज, मेरी छोटी बहन अपनी मर्जी की मालिक है। मेरी छोटी बहन मर्जी की मालिक है। हमारे यंगर सिस्टर ब्रदर्स के बारे में हम ऐसे ही बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? माई यंगर सिस्टर हैज हर ओन वेज। माई यंगर सिस्टर हैज हर ओन वेज, वो अपनी मर्जी से जीती है, अपनी मर्जी का काम करती है। नेक्स्ट इज, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिचुएशंस बेस्ड है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग और आई डोंट हैव एनी थिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने को। आई हैव गॉट नथिंग। नेक्स्ट इज, पक पक मत करो। पेरेंट्स का सेंटेंस, टीचर्स का सेंटेंस, पक पक मत करो। फ्रेंड्स का सेंटेंस, पक पक मत कर यार। डोंट टॉक नॉन सेंस। वाई यू ऑलवेज टॉक नॉन सेंस? पक पक मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। बक बक नॉनसेंस, सेंसलेस बात, बिना सिर पैर की बात। नेक्स्ट इज, मैं अपनी मन की करता हूँ। मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ, मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ, आता हूँ, मैं अपनी मन की करता हूँ। आई हैव माई ओन वेज। आई हैव माई ओन वेज, मेरे अपने तरीके हैं जीने के। नेक्स्ट इज, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, हम सब कुछ, सब लोग बहुत डरे हुए हैं। मुझे जुकाम है, खांसी हो रही है, जुकाम है, कफ कोल्ड है। तो आई हैव गॉट कोल्ड, ये जुकाम के लिए होता है। अगर आपको खांसी है तो आई हैव गॉट कफ। कफ आता है ना हमें खांसी में, उसको बोलते हैं कफ। आई हैव गॉट कफ, आई हैव गॉट कोल्ड। नेक्स्ट इज, मेरे हाथ में दर्द है। कॉमन सेंटेंस है, हाथ पैर में दर्द होता रहता है हमारे। My hand is paining, इस सेंटेंस का मतलब मेरे हाथ में दर्द है।
आई हैव पेन इन माई हैंड, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव पेन इन माई हैंड, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट इज जैसी आपकी मर्जी, कोई अपनी मर्जी का मालिक है, किसी की बहन अपनी मर्जी की मालिक है, और इसमें हम बोल रहे हैं जैसी आपकी मर्जी, कर लो जो करना है, एज यू विश और एज यू लाइक, इसको हम बोल सकते हैं एज यू लाइक भी, जैसी आपकी मर्जी। बहुत बार हम कहते हैं कर लो जो करना है, एज यू विश। नेक्स्ट इज कैसे आना हुआ, कोई हमारे घर पर आया है, कोई आपका फ्रेंड आया है, कोई रिलेटिव आया है, आपने उनसे पूछा कैसे आना हुआ, वॉट ब्रिंग्स यू हियर, वॉट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ, किसी काम से आए हैं, जो भी कुछ है वो आगे आपको बताएगा, बट आप इसको कैसे बोलेंगे, वॉट ब्रिंग्स यू हियर। नेक्स्ट इज उसका रंग गेहुआ है, व्हीटिश कलर का है, वो गेहुआ है, उसका कलर गेहूं जैसा है, तो इस चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हिज कॉम्प्लेक्शन इज व्हीटिश, हिज कॉम्प्लेक्शन इज व्हीटिश, कॉम्प्लेक्शन मतलब उसका रंग, वो गोरा है, काला है, कैसा है। नेक्स्ट इज क्या आप चाय लेंगे, एक मैनर्स होते हैं हमारे कि हम पूछते हैं जो हमारे घर आया है कोई भी, क्या आप चाय लेंगे, क्या लेंगे आप खाने पीने में, वुड यू लाइक सम टी, इसमें हम पूछ रहे हैं कि आप चाय लेंगे, तो वुड यू लाइक सम टी और वुड यू लाइक सम कॉफी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है आपका, आप किसी से सजेशन ले रहे हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, डज इट मेक एनी डिफरेंस, अब वो आपको आगे बताएगा कि फर्क पड़ता है कि नहीं आप जिससे पूछ रहे हैं, बट इस चीज को, इससे क्या कोई फर्क पड़ता है, उस चीज को आप कैसे बोलेंगे, डज इट मेक एनी डिफरेंस। नेक्स्ट इज मैं शहर से बाहर थी, आप कहीं गए हुए हैं, आपसे किसी ने पूछा कुछ कि तुम कहाँ थी या क्या कर रही थी इतने दिन से, मैं शहर से बाहर थी, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, शहर से बाहर जाने को बोलेंगे हम आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। नेक्स्ट इज क्या आपके होश ठिकाने पर है, गुस्से में आपको बोल रहे हैं या फिर कोई वाइफ अपने हस्बैंड से बोल रही है, क्या आपके होश ठिकाने पर है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आर यू इन योर सेंसेस, आपके होश ठिकाने पर है कि नहीं है, आर यू इन योर सेंसेस। नेक्स्ट इज मैं आपसे सहमत नहीं हूं, अच्छा ये एक सिचुएशन है जब आपको सामने वाला अपना सजेशन देता है और कोई एडवाइस देता है और आप डिसएग्री हो जाते हैं, एग्री नहीं करते हैं, तो इस चीज को आप कैसे बोलेंगे, आई डोंट एग्री विथ यू, आई डू नॉट एग्री विथ यू, सिंपल। नेक्स्ट इज बात खत्म करो और बात भूल जाओ इस टॉपिक को, भूल जाओ जो हुआ, इस चीज को हम कैसे बोलेंगे, फॉरगेट इट और लीव इट, कॉमन तो लीव इट है, मोस्टली हम लोग लीव इट यूज करते हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूज फॉरगेट इट। नेक्स्ट इज मुझे कोई एतराज नहीं है, ये भी आप अपनी एक चीज बता रहे हैं, आप एक सजेशन दे रहे हैं, आप अपनी एडवाइस दे रहे हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं है इस चीज में, आई हैव नो ऑब्जेक्शन और आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज नहीं है इस काम में, इस चीज में, आई हैव नो ऑब्जेक्शन और आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी के पास गए, किसी को फोन किया, किसी से पूछा कि वो कहाँ है या क्या कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आंसर मिला, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस चीज को, ही इज नॉट वेल और ही इज अनवेल, अनवेल नॉट वेल तबीयत खराब होने के लिए यूज में होता है। नेक्स्ट इज वह अब तक घर पहुंच गई होगी, कहीं से कोई गया, कहीं से कोई आया, उस चीज के लिए वह अब तक घर पहुंच गई होगी, हमने एक सजेशन दिया, एडवाइस दिया है कि शायद वो पहुंच गई होगी, She will have reached home by now. She will have reached home by now. Next is,
कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हमारे साथ एक घटना हो गई कल, तो हम उसको कैसे बताएंगे? आई मैट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। इट डजेंट मीन कि वो बोल रहा है कि मैं एक्सीडेंट से मिला था। आई मैट विद एन एक्सीडेंट, नो, मेरा कल एक्सीडेंट हो गया था। तो आई मैट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स कल। केक को आधा काट दो। कट द केक इन हाफ। कोई आपको बोल रहा है केक को आधा काट दो यार। कट द केक इन हाफ। हाफ मीन्स आधा। नेक्स्ट इज ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। सबसे बढ़िया हमें ये चीज कौन बता सकता है? हमारी माँ। कपड़ा देख के उसको हाथ लगा के, ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है, तू घटिया क्वालिटी का कपड़ा लेकर आया है। दिस क्लॉथ इज इंफीरियर क्वालिटी। दिस क्लॉथ इज इंफीरियर क्वालिटी। नेक्स्ट इज माफ कीजिए मुझे देरी हो गई। सॉरी बोल रहे हैं आप किसी को। माफी मतलब सॉरी, सॉरी आई गॉट लेट, मुझे देरी हो गई। आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैं अटक गया था। आई गॉट स्टक। सॉरी आई गॉट स्टक। सॉरी आई गॉट लेट। नेक्स्ट इज आसमान बादलों से घिरा हुआ है। रोमांटिक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ। द स्काई इज ओवरकास्ट। आसमान बादलों से घिरा हुआ है। द स्काई इज ओवरकास्ट। यूज करके देखिएगा आज ही। नेक्स्ट इज मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। सॉरी मांगना बहुत बड़ी चीज होती है, गलती मानना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। अपोलोजाइज माफी मांगना। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ विद योर फैमिली। नमस्ते।